नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। पुणे से सटे पीपरी चिंचवड़ के चाकण में कार में बैठे एक शख्स को 3 अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार नई पाबंदियां लगा सकती है। दरअसल सरकार क्रिसमस और नए साल पर जुटने वाली भीड़ को लेकर चिंतित है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव से जुड़े मामले में आरोपी जिन 8 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, वे तथ्यात्मक गलती के आधार पर सुनाए गए फैसले पर फिर से विचार के लिए याचिका दायर करेंगे। इस बीच अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। हर राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने में लगे हैं। मंत्री छगन भुजबल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसकी कथनी और करनी में फर्क है। इसके अलावा औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय में हुए 127 करोड़ रुपए की अनियमितता मामले में तत्कालीन कुलपति डॉक्टर बी ए चोपड़े के खिलाफ 15 दिनों में FIR दर्ज की जाएगी। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ के चाकण में हत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। यहां घर के बाहर कार में बैठे एक शख्स को 3 अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। वो उस पर तब तक गोली चलाते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नागेश कराले के रूप में हुई है। नागेश एक अखाड़ा चलाते हैं। हत्यारों ने नागेश को 6 गोलियां मारी, इनमें से 2 गोली उनके सिर में लगी और मौके पर उन्होंने दम तोड़ दिया। नागेश अपनी कार में बैठे ही थे कि उन पर हमलावरों ने गोलियां बरसा दी। वारदात शेल पिंपल गांव में गुरुवार रात 10 बजे के आसपास हुई। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हत्या के CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट में हुई हत्या की यह तीसरी वारदात है। बुधवार को तलेगांव इलाके में 17 वर्षीय अनिल परदेसी के सिर पर हथौड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। पहले समझा जा रहा था कि युवक के सिर पर गोली मारी गई है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी हत्या हथौड़े से कुचल कर दी गई। लोगों का कहना है कि कानून का खौफ कम होता जा रहा है, अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार नई पाबंदियां लगा सकती है। दरअसल सरकार क्रिसमस और नए साल तक जुटाने वाली भीड़ को लेकर चिंतित है। इसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू, सीमित संख्या में पार्टीज और वर्क प्लेस पर भीड़ न जुटाने के आदेश दिए जा सकते हैं। कोविड टास्क फोर्स की गुरुवार देर रात तक चली बैठक में इस पर कई फैसले हुए। CM उद्धव ठाकरे इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर हैं और पूरे देश में रात में लॉकडाउन लगाने पर विचार राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। मुंबई में हो रहे रूटीन जांच में गुरुवार को 39,423 टेस्टिंग के 602 नए कोविड मरीज मिले। इससे पहले 6 अक्टूबर को 629 नए मरीज मिले थे। वहीं राज्य में 1,179 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटों में राज्य में 17 मरीजों ने दम तोड़ा है, जिसमें से एक मौत मुंबई में दर्ज की गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,897 हो गई है, जिसमें से 2,813 एक्टिव मरीज मुंबई में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 1,179 मरीज राज्य में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,179 नए मामले सामने आए, जिनमें से 23 मामले ओमिक्रॉन के हैं। इन मामलों में से 13 पुणे जिले से तो 5 मुंबई से, 2 उस्मानाबाद से और 1-1 ठाणे, नागपुर तथा मीरा भयंदर से सामने आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव से जुड़े मामले में आरोपी जिन 8 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, वो तथ्यात्मक गलती के आधार पर सुनाए गए फैसले पर फिर से विचार के लिए याचिका दायर करेंगे। इस बारे में आरोपियों ने हाईकोर्ट को जानकारी दी। मामले में आरोपी सुधीर दावले, पी वरवर राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गार्डलिंग, प्रोफेसर सोमा सेन, महेश राउत, वर्नन गुंजाल्विस और अरुण फरेरा ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्पीकिंग ऑफ मिनट्स की अर्जी दी थी। यह
आवेदन किसी कोर्ट के फैसले में मामूली सुधार का अनुरोध करने के लिए दिया जाता है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट किसी भी पक्ष द्वारा किए गए दावों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए आदेश पारित नहीं कर सकती है अथवा गुण दोष के आधार पर दलीलें नहीं सुन सकती है, क्योंकि आरोपी ने स्पीकिंग ऑफ मिनट्स आवेदन दिया हुआ है। आरोपियों में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सुदीप पासबोला ने पीठ को बताया कि आरोपी स्पीकिंग ऑफ मिनट्स का आवेदन वापस लेंगे और हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा का अनुरोध करते हुए नई अर्जी देंगे। पासबोला ने कहा कि आरोपी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट के फिर से खुलने पर जनवरी 2022 में याचिका दायर करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। हर राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने में लगे हैं। मंत्री छगन भुजबल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी कथनी और करनी में फर्क है, तो भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण पर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि मैं चार गुना राजनीति कर सकता हूं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाए जाने से पहले राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए 23 सितंबर 2021 को अध्यादेश निकाला था। इस अध्यादेश के विधेयक को विधानसभा में एक मत से मंजूर कर लिया गया। विधेयक पेश करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को स्थगित कर दिया है, इसके चलते नगर पंचायत चुनावों आरक्षण के बिना हुए, लेकिन ओबीसी आरक्षण पूरी तरह खत्म ना हो जाए और हमारा दावा कायम रहे, इसीलिए यह विधेयक लाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्ण खंडपीठ के सामने पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। इससे पहले भुजबल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में मांग के बाद ओबीसी समाज का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस और ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने डेटा सही न होने की बात कहकर इसे नहीं दिया। औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय में हुए 127 करोड़ रुपए की अनियमितता मामले में तत्कालीन कुलपति डॉक्टर बी ए चोपड़े के खिलाफ 15 दिनों में एफआईआर दर्ज की जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह घोषणा की। सदन में राकपा सदस्य विक्रम काले ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया था। सामंत ने कहा कि विश्वविद्यालय में हुई अनियमितता के लिए गठित धामनसर समिति ने साल 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव के पास समिति की रिपोर्ट नहीं भेजी थी। मैंने बीते दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस रिपोर्ट से अवगत करवाया है। राज्यपाल ने सरकार के विधि व न्याय विभाग की सलाह के अनुसार चोपड़े के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सामंत ने कहा कि अनियमितता मामले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वर्तमान कुलपति डॉक्टर प्रमोद येवले को आदेश दिए गए। यदि उन्होंने इस कार्रवाई में देरी की होगी तो उसकी जांच की जाएगी। इस दौरान सदन की उपसभापति नीलम गोरे ने धामनसर समिति की रिपोर्ट को तत्कालीन राज्यपाल को सौंपने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। राकपा सदस्य काले ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति 50 लाख रुपए की महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, कई कुलपति फॉर्च्यूनर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस पर सामंत ने कहा कि कुलपतियों को 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की अनुमति है। यदि कोई कुलपति तय राशि से महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की अतिरिक्त राशि उनसे वसूल ली जाएगी। चोरों की मानवीयता से लोग ही नहीं बल्कि पुलिस भी दंग है। घटना उत्तर प्रदेश की है। एक वेल्डिंग की दुकान से हजारों का सामान चुराने के बाद चोरों को जब दुकानदार की हालत का पता लगा तो चोरों ने न सिर्फ उसका सामान लौटा दिया बल्कि चिट्ठी लिखकर माफी भी मांगी। वहीं पंजाब में कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू कर दिया है। इससे पंजाब कांग्रेस के उन नेताओं को झटका लगा है जो अपने परिवार के लोगों को भी चुनावी समर में उतारने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच नया ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 10 राज्यों में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां लगा दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। नोटों की गिनती जारी है। तो लुधियाना में कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके में नए नए खुलासे हो रहे हैं। धमाके में मारे गए व्यक्ति के शरीर पर एक धार्मिक निशान मिला है। इससे धमाके में खालिस्तानी एंगल की संभावनाएं बढ़ गई है। देश भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है।
वहां एक वेल्डिंग की दुकान से हजारों का सामान चुराने के बाद चोरों को जब दुकानदार की हालत का पता लगा तो चोरों ने उसका सामान लौटा दिया। यही नहीं, साथ में एक चिट्ठी लिखकर माफी भी मांगी। चोरों ने लिखा, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने गरीब हैं। ये चिट्ठी उन्होंने चुराए गए सामान को बोरी और डिब्बे में पैक कर उसके ऊपर चिपका दी। अब ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के चंद्रायल गांव के निवासी दिनेश तिवारी आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। कुछ समय पहले ही उन्होंने ब्याज पर 40,000 रुपए का कर्जा लेकर वेल्डिंग का काम शुरू किया था। 20 दिसंबर को वे अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो ताला टूटा मिला। उनकी दुकान में रखा औजार और अन्य सामान चोरी हो गया था। उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना बिसंडा थाने में दे दी, लेकिन किन्हीं वजहों से उनका केस दर्ज नहीं हो सका। 22 दिसंबर को गांव के कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उनका सामान घर से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पर पड़ा है। दिनेश वहां पहुंचे तो देखा कि चोर उनका सामान फेंक गए थे। सामान बोरी और एक डिब्बे में पैक था। चोरों ने उस पर एक चिट्ठी चिपका कर रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, ये दिनेश तिवारी का सामान है। हमें बाहरी आदमी से आपके बारे में जानकारी हुई, हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए हम आपका सामान वापस देते हैं। पंजाब में कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू कर दिया है। इससे पंजाब कांग्रेस के उन नेताओं को झटका लगा है जो अपने परिवार के लोगों को भी चुनावी समर में उतारने की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस की ओर से नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी ने एक और फैसला लिया है जिसके तहत मौजूदा विधायक अपनी सीट नहीं बदल सकते। गुरुवार रात को एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव अजय माकन की लीडरशिप में मीटिंग हुई जिसमें इस फैसले को लागू करने पर सहमति बनी है। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था कि एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए। एक परिवार एक टिकट का नियम लागू होने से पहला झटका राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लगने वाला है। कहा जा रहा है कि उनके भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी पठाना से चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत अपने बेटे को सुल्तानपुर लोधी सीट से उतारना चाहते थे। यही नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी अपने भाई के लिए बैटिंग करने की तैयारी में थे। यही नहीं, वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल और ब्रह्मा मोहिंद्रा भी बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। इस कवायद के जरिए एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू विरोधियों पर भारी पड़े हैं। कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 10 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना के एक गांव ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खुद ही 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। मध्य प्रदेश में 37 दिन बाद गुरुवार को फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी गाइडलाइन के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। वहीं गुजरात के 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लागू है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने 25 दिसंबर रात से ही इसे लागू करने के आदेश दिए हैं। नोएडा और लखनऊ में योगी सरकार ने 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। वहीं दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम ने क्रिसमस और न्यू ईयर के पब्लिक सेलिब्रेशन की नई गाइडलाइंस जारी की है। यहां अब आयोजन स्थल की 50% क्षमता तक ही लोग इकट्ठा हो पाएंगे। नासिक में वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले लोगों के मॉल्स और सरकारी ऑफिसों में घुसने पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कर्नाटक में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगातार दूसरे साल नए साल का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर कोई बड़ी पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन होटलों क्लबों में केवल कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों को ही एंट्री दिए जाने की अनिवार्यता घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। आनंदपुर इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कर्टन्स में नोट भरे मिले। बता दे कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी है और उन्होंने पिछले दिनों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां हैं, इनमें कई शेल कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी की गई है। कन्नौज में इत्र बनता है और मुंबई में इनका शोरूम है।
जहां से इत्र देश और विदेशों में सप्लाई होता है। छापे के जो फोटो सामने आए उनमें दिख रहा है कि अलमारी में कार्टन में भरकर नोट रखे गए थे। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक कर रखा था कि इन्हें आराम से कहीं भी कुरियर किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि आईटी की टीम नोट गिनने की 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। शुक्रवार सुबह एसबीआई की कल्याणपुर ब्रांच से नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और बुलाई गयी। नोटों की गिनती जारी है। बताया जा रहा है कि नकदी 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात तक 4 मशीनों से 40 करोड़ रुपए गिन पाए। नोट गिनने के लिए एसबीआई के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उनकी मदद से कैश की गिनती की जा रही है। कुछ दिनों पहले ही पीयूष जैन ने समाजवादी पार्टी नाम से इत्र लॉन्च किया था। इसको लेकर वह सुर्खियों में भी रहे हैं। लुधियाना में कोर्ट परिसर में गुरुवार को हुए बम धमाके में नए खुलासे हो रहे हैं। धमाके में मारे गए व्यक्ति के शरीर पर एक धार्मिक निशान मिला है। इससे धमाके में खालिस्तानी एंगल की संभावनाएं बढ़ गई है। वहीं चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि धमाके में आरडीएक्स के इस्तेमाल की आशंका है। आज कई बड़े नेता मौके पर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लुधियाना का दौरा करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी लुधियाना आने की संभावना है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रही है। ये आशंका पिछले माह आईबी ने पंजाब सरकार व गृह मंत्रालय को जारी एक पत्र में जाहिर की थी। 15 अगस्त के बाद से 25 बार से ज्यादा ड्रोन भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। हथियार, हेरोइन और टिफिन बम भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 11 टिफिन बम बरामद हो चुके हैं। आईबी और काउंटर इंटेलिजेंस के आला आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पंजाब में टिफिन बम का खतरा काफी है, क्योंकि काफी मात्रा में टिफिन बम अभी बरामद नहीं हुए हैं। अजनाला की घटना के तार भी आतंकियों से जुड़े मिले थे। अजनाला के शर्मा फिलिंग स्टेशन पर ब्लास्ट की घटना के बाद पुलिस ने पास ही के गांव के 4 युवकों को पकड़ा था, जिसमें से रूबल और विक्की दोनों कासिम और पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के चीफ भाई लखबीर सिंह के रोड़े के संपर्क में थे। चीन पर एक बार फिर लगाम लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के शिनजियांग से आयात पर प्रतिबंध लगाने और क्षेत्र में जबरन श्रम के लिए जिम्मेदार विदेशियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार जहां अर्जेंटीना दूतावास ने उन्हें फिर शर्मसार किया है, वहीं महिलाओं को लेकर अनर्गल बयानबाजी के कारण सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं। ये बात और है कि उन्होंने इस सच को स्वीकार किया है कि उनका देश टेक के क्षेत्र में भारत से पीछे रह गया है। इस बीच कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कई देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन में रोजाना के नए मामले पहली बार 1,00,000 के पार हो गए हैं। उधर अमेरिका में वैज्ञानिकों की एक टीम ने डायनासोर के समय से एक समुद्री राक्षस की खोज की है। इस जीव की लंबाई 55 फीट तक देखी गई है। इस जीव के सिर का आकार 6.5 फीट मापा गया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के शिनजियांग से आयात पर प्रतिबंध लगाने और क्षेत्र में जबरन श्रम के लिए जिम्मेदार विदेशियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन बड़े पैमाने पर पश्चिमी क्षेत्र में जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहा है, विशेष तौर पर शिनजियांग में जहाँ पर उइगर मुस्लिमों का वर्चस्व है। अमेरिका का आरोप है कि चीन उइगरों का जनसंहार कर रहा है। बड़े पैमाने पर उइगरों के लिए नसबंदी कार्यक्रम चलाने और लोगों को हिरासत में रखकर जबरन मजदूरी करने के दावे किए गए। अमेरिका की यह कार्रवाई बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 के बहिष्कार के बढ़ते अभियान की पृष्ठभूमि से जुड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 5 अन्य देशों ने पहले ही चीन में मानवाधिकारों के हनन के विरोध में ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की, जबकि चीन बंधुआ मजदूरी या अल्पसंख्यक समुदायों के साथ मारपीट के आरोपों से इनकार करता रहा। अमेरिका की ओर से चीन पर की जा रही दंडात्मक कार्रवाई की श्रृंखला की इसे कड़ी माना जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने भारी समर्थन के साथ विधेयक पारित किया था। यह कानून शिनजियांग से सीधे आयात किए गए सामान, माल, लेख और व्यापार को लक्षित करता है, जो उइगर, कजाक, किर्गिज, तिब्बतियों या चीन में अन्य सताए गए समूहों के सदस्यों द्वारा बनाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फिर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार जहां अर्जेंटीना दूतावास ने उन्हें शर्मसार किया, वहीं महिलाओं को लेकर अनर्गल बयानबाजी के कारण सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं। अर्जेंटीना में पाक दूतावास ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज पोस्ट किया,
जिसमें लिखा कि पाकिस्तान अर्जेंटीना के साथ हुई JF-17 डील से हाथ धो सकता है। दूतावास ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में लिखा कि इस्लामाबाद में नेतृत्व परिवर्तन पर ही पाकिस्तान की विश्वसनीयता बहाल होगी। हालांकि अब यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया और दूतावास ने सफाई दी कि उसका अकाउंट कुछ मिनटों के लिए हैक कर लिया गया था। बता दें कि पाकिस्तान JF-17 लड़ाकू विमान का निर्माण चीन के साथ मिलकर करता है और अब तक विमानों को म्यांमार और नाइजीरिया ऑर्डर कर चुके हैं। इसके अलावा महिलाओं को लेकर अर्नगल बयानबाजी के कारण भी इमरान खान ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मुस्लिम देशों की एक बैठक में अफगानिस्तान की महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने को जायज ठहरा दिया। मानवाधिकार निगरानी संगठन ने भी इमरान के बयान की निंदा की। संगठन अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि इमरान को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने आखिरकार स्वीकार किया कि हम टेक इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम हिंदुस्तान से पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान करीब 15 से 20 साल पहले इस सेक्टर में आया और आज की तारीख में उनका करीब 150 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट है। हिंदुस्तान ने जब 1990 के दौरान अपनी इकोनॉमी ओपन की तो वहां सबसे पहले विदेश में रहने वाले भारतीयों ने निवेश करना शुरू किया। इसे देखने के बाद दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत पहुंची। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने देश में कभी इस पर जोर ही नहीं दिया और जो देश निर्यात में हमसे पीछे थे वो आज आगे बढ़ गए हैं, जबकि टेक सेक्टर में बेहतरी के लिए पाकिस्तान की स्थिति आदर्श है। हमारी युवा आबादी बहुत बड़ी है, हम तेजी से विकास कर सकते हैं, हम नौकरियां दे सकते हैं, हमें एक्सपोर्ट पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जब नई कंपनियां घाटे में चली गई, वहीं इस वक्त में टेक कंपनियों का रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। यही कारण है कि दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। क्षेत्र का जानकार मानता है कि इमरान की स्वीकृति सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रोक है और वह देश के युवाओं का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक तरह से क्षतिपूर्ति भरपाई की कोशिश है जिसके बहाने वो आवाम में अपना कद बनाए रखना चाहते हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कई देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन में रोजाना नए मामले पहली बार 1,00,000 के पार हो गए। इसे देखते हुए ब्रिटिश नियामकों में 5 से 11 साल के बच्चों में टीकाकरण के लिए फाइजर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। उधर अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 रोधी फाइजर की गोली मंजूरी दे दी, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा कदम बताया। ब्रिटेन की यह जानकारी राहत भरी हो सकती है कि कोरोना का ओमिक्रॉन स्वरूप उसके डेल्टा स्वरूप की तुलना में कम घातक है। वहीं इटली में सरकार ने सभी सार्वजनिक जगह नए साल की पूर्व संध्या पर प्रतिबंध लगा दिया है और मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। न्यू साउथ वेल्स राज्य सबसे ज्यादा पीड़ित है, जहां मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए टीकाकरण में असमानता पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अमीर देशों में 67% लोग टीका ले चुके हैं, जबकि गरीब देशों में यह संख्या मात्र 10% है। उधर अमेरिका में फाइजर की पैक्सलोविड नामक गोली को मंजूरी दे दी गई है। यह दवा संक्रमण की चपेट में आते ही उससे निपटने का बेहतर तरीका बताई जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे महामारी से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, हालांकि इसकी प्रारंभिक आपूर्ति बेहद सीमित है। अमेरिका में वैज्ञानिकों की एक टीम ने डायनासोर के समय के एक समुद्री राक्षस की खोज की है। इस जीव की लंबाई 55 फीट तक देखी गई है। इस जीव का नाम इचिथियोसॉर है, जो समुद्री मछली का ही एक प्रकार है। रिसर्च से पता चला है कि मछली के आकार के समुद्री सरीसृपों का आकार 24 करोड़ साल पहले काफी तेजी से बढ़ा। इस जीव के सर का आकार 6.5 फीट मापा गया है। शोधकर्ताओं ने उत्तर पश्चिमी नेवादा के अगस्ता पर्वत की चट्टानों में पहली बार 1998 में प्राचीन इथियोसॉर के जीवाश्मों की खोज की थी। इसमें से कुछ हड्डियां चट्टानों के बाहर तक निकली हुई मिली थी। वैज्ञानिकों ने इससे अंदाजा लगाया कि इस जीव का आकार काफी विशाल था।
साल 2015 में वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्म स्थल की पूरी खुदाई की, जिसमें जीव की खोपड़ी पानी में तैरने वाले पंखों के टाइप के छोटे अंग मिले थे। वैज्ञानिकों ने जीव का 3D मॉडल बनाया और जीवाश्मों का विश्लेषण किया। टीम ने नई प्रजाति का नाम सिम्बोस्पोंडिलस यंगोरम रखा है। यह बड़े जबड़े वाला समुद्री सरीसृप 24 करोड़ साल पहले ट्राइसिक काल के दौरान रहता था। शोधकर्ताओं ने बताया कि जीव की खोपड़ी की लंबाई 6.5 फीट मापी गई। एक पूर्ण विकसित सिम्बोस्पोंडिलस यंगोरम की लंबाई 55 फीट तक मापी गई है। जीवित रहने के दौरान इस जीव का वजन 45 टन का होता था। वैज्ञानिकों ने कहा कि यंगोरम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से दूर पैंथालसिक महासागर में रहता था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।